है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग सीधे अमृतसर से। तो सुबह के बज चुके हैं 4, बिल्कुल करेक्ट 4 बजे, और 3 बजे उठ के नहा धो के साड़ी पहन के, पिंक कलर की जो मैंने स्पेशली यहाँ गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए ली थी वो पहन के मैं आ चुकी हूँ। और ये देख रहे हैं मेरे पीछे, बिल्कुल जस्ट गुरुद्वारे के सामने खड़ी हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों जो दर्शन सुबह होते हैं ना, सुबह यहाँ पे डोली निकलती है और वो जो भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए होता है उसके ऊपर चादर रखी होती है, तो अभी वो चादर हटती है तो जो दर्शन अभी होते हैं ना वो बाद में नहीं होते हैं। तो बिल्कुल 4 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और अब अंदर जाने वाली हूँ और दर्शन करने वाली हूँ। और गाइज मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि बचपन से मैंने ना सिर्फ टीवी और मूवीज़ में, टीवी में और लोगों के स्टेटस में ही देखा था। आज पहली बार यहाँ आई हूँ, बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने खड़ी हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है गोल्डन टेम्पल देखने की, तो अंदर जाते हैं और गोल्डन टेम्पल देखते हैं। और गाइज यहाँ पे देख रहे हैं लोग सब दर्शन करने के लिए यहाँ बरामदे में नीचे जमीन में ही सोए पड़े हैं। बाबा कश्य सेरियन वहाँ तक है, यो इस नींद आ रही इनों के। मुझे तो आज वैसे ही अच्छी वाली वाव वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद छुट्टी आई हूँ और ऊपर से मैंने पहन ली साड़ी और सुबह सुबह दर्शन करने। देख रहे हैं दोस्तों 4 बजे भी कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, लोग रोज यहाँ आते होंगे नहा धो के। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल में, उसके जस्ट बाहर हूँ और पैर धुल के हम अंदर आ चुके हैं। अब अंदर की तरफ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद बाहर की वीडियो शूट करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस जहाँ पे गुरुद्वारा होता है वहाँ पे रीठे का पेड़ होता ही होता है। ये रीठे का पेड़ है और ये है गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने वाला पहला सरोवर। यहाँ पे सब लोग किनारे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठने से ना दिल को बहुत शांति मिलती है, मन शांत होता है। गाइस यहाँ से सुबह 4 बजे का जो व्यू है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों तो मैं अंदर आ चुकी हूँ और वो बिल्कुल सामने स्वर्ण मंदिर है, आपको दिख रहा है, और इतना खूबसूरत है ना, बहुत जबरदस्त है, और जो लाइटिंग का रिफ्लेक्शन है ना वो तो इतना तगड़ा है ना, अभी बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइज यहाँ से आप भी दर्शन कर सकते हैं और अपनी अपनी विश मांग सकते हैं बाबा जी से। चलो चलो आप भी अपनी विश मांग लो। और दोस्तों अभी ना 4 बज चुका है, बिल्कुल 4 बजे डोली निकल चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस डोली के दर्शन करने के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ जाती है। 3 बजे यहाँ का गेट खुल जाता है ना, तो यहाँ पे लोग आना शुरू कर देते हैं ताकि उनको जल्दी दर्शन हो सके। तो देख ही रहे हैं आप, ये डोली आ गई है और अब ये जो स्वर्ण मंदिर के अंदर का जो वो है ना गुरुद्वारा, मतलब गुरुद्वारे के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से डोली निकलेगी वहाँ जाएगी और फिर तब जाके वहाँ पर दर्शन करेंगे लोग। और सब लोगों ने हमें एडवाइस दी थी कि अगर यहाँ दर्शन करने होंगे ना तो अर्ली मॉर्निंग चले जाना, तो हम भी यहाँ पे आ गए थे जल्दी और हमें भी आज इस टोली के दर्शन हो गए हैं। देख ही रहे हैं यहाँ पे सब लोग फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपनी अपनी ना मन्नतें मांग रहे हैं। तो अभी डोली की यहाँ पे पूजा हो गई है और सबको दर्शन दे दिए हैं। तो अभी यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, अंदर वो स्वर्ण मंदिर है जो सोने का बना हुआ गुरुद्वारा है वो है। तो ये देख ही रहे हैं आप, जाने लग गई। Thank you.
दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसाद लेके अब मैं यहाँ सरोवर के किनारे बैठी हूँ और इसमें इतनी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। और अब तो पूरी सुबह हो चुकी है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ उतनी की उतनी है, बढ़ते जा रही है। और इस सरोवर में इतनी सुंदर सुंदर मछलियां हैं, कलरफुल वाली ऐसी तो घर में होती है एक्वेरियम में, ये उसी का बड़ा वाला वर्जन है। तो और आ रही है श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब काली हुए सहाय दशा पाताल। तो दोस्तों अब यहाँ दर्शन कर लिए तो अब यहाँ से बाहर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, सुबह जल्दी उठे थे तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, नींद बहुत है आंखों में। और दोस्तों अभी ना अब 7 बज चुके हैं तो ये गुरुद्वारे के बाहर का ना जो 7 बजे का सीन है वो है। यहाँ पे लोग देखो ना कितनी सेवा कर रहे हैं, कोई फर्श धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों तो दर्शन हो चुके, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा ना, बचपन का सपना पूरा हो गया। सच में मैं बचपन से सोचती थी स्वर्ण मंदिर जाऊं, देखूं सोने का मंदिर कैसा है, सच में बहुत खूबसूरत है और अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। तो अभी सुबह हो चुकी है और ना मैं रात के 3 बजे के उठ रखी हूँ और अभी जाके दर्शन करके हम बाहर आए हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे दिन के टाइम में जलियांवाला बाग। तो अभी जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ, एक दो नींद ले लेती हूँ, ऊँग रही हूँ खड़े खड़े, उसके बाद वहाँ की वीडियो इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हेलो गाइस, तो पूरे दिन की थकान मिटा के आज सुबह जल्दी उठ गए थे ना, फिर अमृतसर साहिब दर्शन करने भी गए, तो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ जलियांवाला बाग और यहाँ पे इतना ज्यादा रश है तो हम फटाफट एंट्री लेते हैं अंदर, उसके बाद देखते हैं कि क्या है अंदर, ठीक है। जल्दी एंट्री लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होने वाला है। फ्री एंट्री है यहाँ पे, सॉरी भैया। और ये हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे ना गेट के अंदर एंट्री लेते ही ये सब ना जो भी यहाँ सत्याकांड में शहीद हुए थे उन सबके स्टैचू लगे हैं, देख ही रहे हैं आप, इसमें बूढ़े बच्चे माताएं, ये बच्चा है, सबके स्टैचू लगे हुए हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे शहीद हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल कम स्टैचू दिखाए गए हैं, इस सत्याकांड में इतने लोग मारे गए थे कि जिनकी गिनती भी कम है अभी तक। और ये सब अपनी सीटें घिरे हुए हैं, शायद ये शो नाइट में ही चलता होगा क्योंकि लाइट का शो है पूरा। उनको दिखाया जा रहा है और उस समय अपने पूरी स्टोरी बता रहे भाई, अनाउंसमेंट होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो हमें तो सीट नहीं मिली क्योंकि थोड़ा फुल हो चुका है और वो शो भी खत्म होने वाला है, तो हम आगे जा रहे हैं।
और दोस्तों आप सामने देख ही रहे होंगे वो लाल कलर की दीवार, उसमें जो व्हाइट कलर से हाईलाइट किया है ना, वो गोलियों के निशान है। अभी टाइम ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है ना, लेकिन ये साफ दिख रहा है, देखो ये व्हाइट कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये सब गोलियों के निशान है। इस दीवार में ना छेद है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही था और जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था वो सब बंद हो चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है। तो हम यहाँ की ना लोकल मार्केट घूमते हैं, कपड़ा मार्केट, बहुत अच्छी अच्छी सूट है, जूतीज हैं, पंजाबी कल्चर पूरा झलकेगा। तो मार्केट जाते हैं और वहां से आपको सुंदर सी मार्केट दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस कितनी भीड़ है शाम को और इतनी ज्यादा रौनक है यहाँ पे, इतना मजा आ रहा है ना मेरे को घूमने में। दोस्तों यहाँ पे ना शाम को घूमने का मजा ही कुछ और है, चारों तरफ इतनी अच्छी रौनक है और यहाँ पे ना सारी दुकानों में एक जैसी प्लेट लगी है, दिखने में इतना ज्यादा सुंदर लगता है और सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, टहल रहे हैं और छोटी छोटी मार्केट लगी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे ना पूरी रात बिता सकते हो, इतना अच्छा लगता है ना, जितना घूमो उतना कम लगता है। और यहाँ पे प्यारी प्यारी बिल्डिंग बनी है, इमारत है रेड कलर की, बहुत सुंदर लगता है और बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं कब से घूम रही हूँ, अभी तक मैंने थोड़ा बहुत ही कुछ लिया है और घूमने में ही हूँ, अभी भी मेरा मन नहीं भरा, कल भी घूमी मैं, अभी और घूमूंगी, आगे जाते हैं और मैं दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे पंजाबी कल्चर की ना बहुत अच्छी अच्छी जूती हैं और सूट है, तो मुझे भी सूट खरीदने हैं, तो आगे मार्केट में चलते हैं। हाँ दुबई सुल्तान की तो जबरदस्त है, और दिखाना एक दो, नहीं फ्रांस अच्छा नहीं है। क्या प्राइस है इसके एक बॉटल के? मैं कश्मीर से हूँ। नहीं नहीं 100 की मिलती है हमारे यहाँ बॉटल, ये वाला भर दो जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, ये दुबई वाला। कहाँ से लगाते हो आप इसको? और दोस्तों अब मैं आ गई हूँ जूतियाँ वाली मार्केट, यहाँ ना पूरी एक साइड में जूतियाँ ही जूतियाँ लगी हुई हैं, सारे अलग अलग रेट में हैं, 300 से स्टार्ट है, देख ही रहे हैं आप। और इतनी खूबसूरत है ना, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, सिंपल, सारी तरह की हैं और बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी हैं। जूतियाँ तो इतनी अच्छी हैं क्या ही बताऊँ। और फिर पंजाबी दुपट्टे, फुलकारी दुपट्टे, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, बस कंफ्यूजन है कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ। व्हाइट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट और ब्लैक, पर क्या करूं व्हाइट पहनने नहीं देते, व्हाइट और ब्लैक की ब्लैक। गाइस ये ना अंकल उन्हीं की होलसेल वाली दुकान है लेकिन बंदर को बोल रहे हैं, सही लगाया आपको, और ले रही हूँ, दे देंगे अंकल जी, ये वाला निकालना। हमारी वाली अच्छा वो आजकल तो हो गया क्या है, इसका सलवार वाइट होगा ना? हाँ करीब का। क्या इसे पाकिस्तानी सूट है पूरा? नहीं है। दोस्तों सूट वूट खरीद के सारी शॉपिंग करके घूम घाम के एक बार फिर से यहाँ रंग पंजाब में खाना खाने आ गए हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बहुत तगड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ना अभी लाइटिंग का इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है, मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ।
उसके बाद हम खाना खाएंगे। जबरदस्त व्यू है, हवेली जैसा लग रहा है। सामने में म्यूजियम है, सामने में लाइटिंग है, इतना सुंदर लग रहा है ना। ये एरिया भी बहुत सुंदर लग रहा है। पंजाब में बहुत जोर है, भूख लग गई और अब एंट्री लेना भीतर। और वो जो झूमड़ खाना का है, मैंने उसके नीचे इतनी सारी रील बनाई ना, बहुत ज्यादा। अब यहाँ फीलिंग लेते हैं थोड़े खाने की। और वाह, बहुत टाइम बाद पंखे की हवा मिल रही है। और अब ये मैंने कर ली है एंट्री, तो दे दे खाने को त्रांडा। ओके,